This is a new week after Christmas celebrations. और ये एक नया हफ्ता है क्रिसमस के समारोह को मनाने के बाद. And this week will end with a new year. और ये हफ्ता एक नए साल के संग समाप्त होगा. So there is still there is some celebration. और इसलिए फिर भी कुछ और उत्साह और पर्व हमारे संग रहेंगे. Many churches have a Christmas Eve service. और कई सारे कलीसियाएं क्रिसमस की शाम की शबा करते हैं. That is one day before 24th evening. जिसका मतलब है 25 दिसंबर से एक दिन पहले, जो कि 24 की शाम को होता है. And then we have watch night service. और उसके बाद हम मध्यरात्रि की एक प्रार्थना को रखते हैं. And then on the 1st of January, New Year's service. और पहली जनवरी को एक नए साल का सभा. Celebration, celebration, celebration. और उत्साह, उत्साह, उत्साह और हर प्रकार का उत्साह हम मनाते हैं. And we can be so involved, get caught in all the arrangement, preparations of these celebrations and the celebrations themselves, we can forget the most important person who is the reason for all the celebrations. और इसलिए इन सारी उत्साहों में, इन सारे पर्वों को मनाते मनाते हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हो सकता है कई बार जो इस उत्साह या पर्व को मनाने का मुख्य कारण है हम उसे ही भूल जाते हैं. That is Jesus Christ. और वो कारण है प्रभु यीशु मसीह. You know, God has the greatest missionary heart. और प्रभु परमेश्वर के पास सबसे बड़ा सेवा कार्य का हृदय है. And Jesus Christ was the greatest missionary ever walked on earth. और यीशु मसीह खुद सबसे बड़ा महान सेवा कार्य करने वाला एक व्यक्ति था जो कभी भी इस पृथ्वी पर चला हो. He came for the entire world. और वो पूरे संसार के लिए आया. And he died for the whole world. और वो पूरे संसार के लिए मर गया. Shed his blood for the entire human race. और उसने पूरे मानवता के लिए अपने लहू को बहाया. See, God's plans always are universal. और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमेशा वैश्विक रूप से होती हैं. God's love is universal. परमेश्वर का प्रेम भी हर एक के लिए है. But salvation is personal. लेकिन उद्धार व्यक्तिगत है. For God so loved the world. क्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया? Everyone can avail of this love of God. कि हर एक जन इस प्रेम का आनंद उठा सके. Everyone is invited. और हर एक को न्योता दिया गया है कि वो आए. At the same time. और साथ ही साथ. Each person, each individual in a human race. Has to experience salvation by personally acknowledging Christ as Lord and Savior of his life. हर एक मानव को व्यक्तिगत रूप से उस उद्धार का अनुभव करना होगा इसके द्वारा कि वो अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर अपने जीवन को उसे समर्पित कर दे. And through his death and resurrection, the church was born. और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ. What is church? और कलीसिया क्या है? Not any building. कोई इमारत नहीं. Not any cathedral. कोई ऐसा बड़ा घर नहीं. Church is people. और कलीसिया है लोग. In Revelation chapter 5 verse 9. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पांचवा अध्याय नवे वचन में. Jesus Christ died. यीशु मर गया. Shed his blood. अपने लहू को बहाया. And by his blood he purchased a people for himself. और अपने लहू के द्वारा उसने लोगों को खरीद लिया. By his death, salvation for the whole human race was accomplished. और उसके मृत्यु के द्वारा पूरी मानवता के लिए उद्धार को जीत लिया गया. By his resurrection, the church was born. और उसके पुनरुत्थान के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ. That's what we read in Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. और इसी बात को हम इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़ते हैं. It is worth reading it. और आइए हम इस वचन को पढ़ें. So let us read Ephesians chapter 2, verses 4 to 6. इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन तक. But God being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and
raised us up with him and created us with him in the heavenly and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. And before Jesus returned to his father, और इससे पहले कि यीशु मसीह अपने पिता की ओर लौटता, he called his disciples together, उसने अपने चेलों को एक साथ बुलाया, and gave one mission to accomplish before his second coming back. और उसके पुनरागमन से पहले उसने एक लक्ष्य अपने चेलों को दिया. This mission, one mission, has to be accomplished before Jesus comes and take his church away into heaven to be with him forever and ever. और ये लक्ष्य तब से पहले पूरा हो जाना है उससे पहले कि यीशु अपनी कलीसिया को उठाने के लिए यहाँ पर आ जाए. That is the commission we read in from Psalm. और इसी बात को the commission is we read in Matthew chapter 28 verses 16 और इसी बात की आज्ञा को महान आज्ञा को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और 18वें वचन से देखते हैं. And this is one commission that the Lord Jesus Christ has given to the entire church. और ये एक ऐसी आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण कलीसिया को दी है. Go into all the world and preach the gospel to every creature. कि तुम पूरे संसार के जगत के हर एक कोने में जाओ और हर एक प्राणी के बीच सुसमाचार का प्रचार करो. And make disciples of all nations. और हर एक राज्य से चेले बनाओ. And by baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के द्वारा. What is the reward? और वो तोहफा क्या है? There is no salary for this. और इसके लिए कोई वेतन नहीं. No financial gain. और कोई आर्थिक लाभ नहीं. But unfortunately, today there are so many self-made preachers and evangelists making plenty of money by using God's word. लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि आज के दिन में ऐसे खुद को अपने आप प्रचारक कहने वाले अपने आप ही और खुद को भविष्यवक्ता कहने वाले परमेश्वर के नाम में पैसा कमाते हैं. And my friends, remember this, Jesus Christ is coming soon to take his church away. मेरे मित्रों इस बात को याद रखिए कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है अपनी कलीसिया को उठाने के लिए. Unless and until the entire church body is involved, which includes pastors, evangelists, prophets and also church members and deacons, and everybody has to be involved in reaching the entire planet Earth, the world, with this good news of God's salvation plan for you. और जब तक पूरा संसार इस अच्छी बात में ना लग जाए कि वो परमेश्वर के सुधार के कार्य में जिसका अर्थ है पूरा संसार बचा लिया जाए. Because this vision is not our vision. क्योंकि ये दर्शन हमारा दर्शन नहीं है. The commission is given not by any human institution. और याद रखिए ये आज्ञा किसी मानवीय संस्थान से नहीं है. The vision is of the Lord. और ये दर्शन तो परमेश्वर का है. God's vision. और ये परमेश्वर का दर्शन है. God's vision to save the entire world. और ये तो परमेश्वर का दर्शन है कि संपूर्ण संसार बचा लिया जाए. It is God who loved the world. ये तो परमेश्वर है जो जगत से प्रेम करता है. And it is God who sent his son Jesus to be the savior of mankind. और ये तो परमेश्वर है जिसने अपने बेटे यीशु को भेजा कि वो इस मानवता का उद्धार करता है. Now the Savior has come and prepared the way of salvation, and the invitation goes out to every member of human race. और इसलिए ये उद्धारकर्ता आ गया है कि मानवता को बचाए, और अब ये न्योता मानव की हर एक पीढ़ी को मिलता है. So always remember. और इसलिए हमेशा याद रखिए. It is the Father's vision. कि ये पिता का दर्शन है. And the Son Jesus Christ came to fulfill this vision, and so this became his mission. और पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया कि अपने पिता
कि इस दर्शन को पूरा करे और इस दर्शन को पूरा करना ही उसका लक्ष्य बन गया। What is the church's responsibility? और इसलिए कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है? To share this vision with God the Father, कि वो परमेश्वर पिता के इस दर्शन में सहभागी बने। And share the responsibility of reaching the world with His Son Jesus Christ. That is our mission. इस जिम्मेदारी का भाग बने कि वो संसार को उसके पुत्र के विषय में बताए। Sharing the vision and sharing the mission. Is the church's responsibility. और चर्च कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर के लक्ष्य में सहभागिता करे। Because mission is the heartbeat of God. क्योंकि सेवा कार्य परमेश्वर का हृदय है। Oh, he saw humankind, human race heading towards hell, and he was so filled with love and compassion, he sent his own son to be the savior. और उसने देखा किस प्रकार से मानवता पाप में गिरती जा रही थी, और दया करकर उसने खुद अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। And my friends, और मेरे मित्रों, 1 year more has gone into it is going to be history enough. Just a few days. और मेरे मित्रों, एक और साल बीत जाएगा और कुछ और दिनों में ये एक साल इतिहास बन जाएगा। It has gone very fast. और ये बड़ी जल्दी निकल गया। What have you done in fulfilling the mission of Jesus Christ? आपने क्या किया है कि आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करें? Have you extended your helping hand to the church body? To as the church take the responsibility of declaring the gospel. क्या आपने अपने हाथ को बढ़ाकर कलीसिया की सहायता करी है और कलीसिया में सहभागिता करी है सेवा कार्य में? Have you contributed to the mission ministry of the church financially? क्या आपने आर्थिक रूप से कलीसिया की सेवा कार्य में दिया है? Are you praying for the missionaries and those whom the church sends for? क्या आप उन सेवा कार्य करने वाले परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके बीच सेवा करते हैं, कलीसिया ने जिन्हें भेजा? Are you visiting these missionaries in their mission station? क्या आप इन सेवा कार्य करने वालों से मिलते हैं इनके सेवा के स्थानों में? And prayed with them. और उनके संग प्रार्थना करते हैं, encourage them, उन्हें प्रोत्साहित करते and bless them, और उन्हें आशीषित करते हैं। It is all our responsibility, dear friends. ये सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं मेरे प्रिय मित्रों। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूं, that in this new year, कि इस नए साल में, with a new determination, एक नई इच्छा शक्ति के साथ, each one of you who are listening here, आप में से हर एक जो सुनता है, will respond to this message. आप इस संदेश के प्रति उत्तर देंगे। And in a new way, you will offer yourselves to be an instrument in God's hand. और एक नई तरीके से आप खुद को सौंप देंगे कि आप एक परमेश्वर के हाथों में एक यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाएं। Help reach our India. और सहायता करें कि हम भारत तक इस सुसमाचार को पहुंचाएं। And our neighbors. और हमारे पड़ोसियों तक। This is our duty. और ये हमारी जिम्मेदारी है। The Lord is coming. क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। The reward is waiting. और वो पुरस्कार इंतजार करता है। Will you qualify to receive the reward? क्या आप योग्य ठहरेंगे इस पुरस्कार को पाने के? I pray you will. और मेरी प्रार्थना है कि आप ठहरें। Oh Lord our God. हे हमारे पिता। For this we need the Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता so है। So may your spirit come upon us. तो होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाए। And baptize each one of us with the Holy Ghost and power. हमें से हर एक को बपतिस्मा दे और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। That we may faithfully fulfill God's commission. कि विश्वास योग्यता के संग हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने पाएं। That we shall not be ashamed or afraid when Jesus Christ come back. ताकि जब यीशु का आगमन हो तो हम ना डरें और ना लज्जा में पाए जाएं। God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो। Give yourself to God. अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। This is a great day. ये एक महान दिन है। Enjoy this day. इस दिन का आनंद लें। By sharing a New Testament with somebody. किसी के संग एक नया नियम बांटने के द्वारा। And share your testimony. अपनी गवाही को बांटें। What the Lord has done for you. कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। And that will encourage others. और दूसरों को ये बात प्रोत्साहित करें। God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर। Amen. Amen.